हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए, हो गया है शाम का टाइम और आजकल किस किस के घर में इस टाइप से कपड़े सूख रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी। तो कल मंडी गई थी मैं, तो वहाँ से लाई थी ये सब्जियाँ। तो कुछ नहीं मिला कल सब्जियों में, क्योंकि लेट हो गई थी जाने में, तो सब्जियाँ कुछ नहीं मिली। तो ये टमाटर लेके आई हूँ, ये नाशपाती लेके आई हूँ, ये आलू लेके आई हूँ और अरवी लेके आई हूँ। बाकी मैं कुछ भी नहीं लाई, काफ़ी टाइम हो गया था इस वजह से, और बारिश भी हो रही थी तो कुछ सब्जी मिली नहीं। तो ये चाय भी रेडी हो गई है, तो चलिए पहले चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो आजकल ना आलू प्याज बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी। मतलब जैसे पानी वाले रहते हैं ना, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको जितनी जल्दी आप फैला दो उतना ज़्यादा सही है। मुझे तो बहुत थकान लग गई थी, इस वजह से मैं फैला नहीं पाई इन्हें, लेकिन मैं अभी लगा रही हूँ इन्हें। और मंडी में सब्जियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी हैं कि मतलब 50 रुपये से कम की कोई भी सब्ज़ी नहीं है मार्केट में। तो मंडी में भी जाने का ना कोई फ़ायदा ही नहीं लग रहा है। सोचा कि चलो थोड़ा कुछ सस्ता मिलेगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कुछ सस्ता नहीं था, सब कुछ महंगा था। तो ये वाला स्टैंड था ना, ये मैंने देहरादून से ख़रीदा था। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल सही लगता है और कभी कभी मुझे बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि इसमें ना जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं प्याज आलू के, वो नहीं टिकते हैं, वो ना सारे नीचे गिर जाते हैं। तो बड़े बड़े प्याज और वो लगाने पड़ते हैं साइड साइड में, और नहीं तो ना इनके नीचे कुछ पेपर वेपर बिछाना पड़ता है, तब जाके लगाना तो पड़ता इन है। अरवियों में से दो चार अरवियां छोटी छोटी मैं अलग कर दे रही हूँ, इनको मैं ऊपर लगा दूंगी गमले में, हो जाएंगी ये। तो बस ये अरबियां तो ऊपर लगा दूंगी, बाकी ये रख दूंगी। और ये देखिए नारियल, ये आपको याद होगा जब संगीता दीदी लोग आए थे तब का है। इस पे मैंने सारे अपना दिए हैं डंड पे जितने होते हैं, लेकिन ये टूट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है। तो अब पता नहीं शायद खराब हो गया होगा ये अंदर से, क्या हुआ होगा। तो फिर भी कोशिश करूंगी एक बार इसे तोड़ने की। तो ये चाह नहीं रहा है कि कोई खाए हम मुझे। तो आज डिनर में बन रही है खिचड़ी, सिंपल दाल की खिचड़ी बन रही है, मूंग और मलका डाल के। तो मेरा तो फास्ट है, मैं तो चीले बनाऊंगी अपने लिए मीठे वाले, और ये सबके लिए ये बना रही हूँ मैं खिचड़ी। तो बस ये खिचड़ी भी छौंक दी है मैंने, और सबको ऐसी लिक्विडी खिचड़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला है। तो चलिए ढक्कन बंद करते हैं। तो ये मिर्चियाँ देखिए कितनी बड़ी हैं, गांव की मिर्चियाँ है ना ये। तो ये देखिए मिर्ची का साइज कितना बड़ा है। तो मेरी शॉप के बगल वाले शॉप में एक शॉप है ना, भैया है दूसरे, तो वो घर से लेके आए थे ये वाली मिर्च। तो देखो आप कितनी बड़ी मिर्च है। तो उन्होंने पूछा कि मैम आप लोगे? तो मैंने कहा लेने की क्या बात है, जो मिल जाता है मैं तो वही खा लेती हूँ। तो मैं उनसे भी ये भी ले आई, क्योंकि मतलब अच्छी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं ना। और मतलब कैसा है ये, जैसे अचार वाली वो होती है ना मिर्चें, वैसी है ये। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी दी है वाली भी, और ये मूली दी उन्होंने मुझे। तो घर की चीज़ों में अलग ही टेस्ट होता है, तो मैंने मना नहीं किया। और ये एप्पल दिए उन्होंने मुझे दो, यार इन ये एप्पल भी ना अलग ही टाइप के एप्पल हैं, मतलब खट्टे मीठे हैं, और इनका ना टेस्ट ही कुछ और है। तो ये पहले भी मुझे किसी ने दिए थे शॉप पे, तो वो भी बहुत ही अच्छे थे और ये भी बहुत अच्छे होंगे। तो बस मतलब ऐसा नहीं है मैं खरीद के लेके आई हूँ, उन्होंने ऐसे दिए मुझे। पर पूछा उन्होंने मुझे पहले कि आप लोग खाओगे मिर्ची वगैरह, घर से आ रखी है। मैंने कहा हाँ हाँ दे दो, हमें भी दे दो, हम भी खाते हैं मिर्ची। तो मैं ले आई उनसे, फिर उन्होंने मुझे मिर्ची दी। तो मैं आई थी अभी अरबी लगाने के लिए छत में, तो अरबी मैंने लगा दी है। और अरबी लगाने का मोटिव पता क्या है मेरा, कि इस साल ना हमने पैर तोड़ नहीं खाए, क्योंकि मैं आजकल ना जिस की भी वीडियो देख रही हूँ, जितने भी गढ़वाली हैं अब तो बाहर भी सब बनाते ही हैं, तो जितों की भी वीडियो देख रही हूँ सब पैर तोड़ बनाने पर लगे हुए हैं। और इस बारी ना हमें पत्ते भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्या पता मतलब मार्केट में हो ही ना, या लेके नहीं आ रहे होंगे सब्जी वाले, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो पत्ते और फिर कोई लेता नहीं है। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है ना कि सबके घरों में होती हैं, और तो इस वजह से नहीं लाते होंगे सब्जी वाले। तो मैंने कल भी ढूंढा, एक दो दिन पहले मैंने पहले भी कोशिश की थी कि मिल जाए दो चार पत्ते तो बन जाएंगे पैतुड़, लेकिन नहीं मिले। तो मैंने सोचा कि चलो अरबी लेके आई रखी हूँ, तो दो चार लगा देती हूँ गमले में, हो जाएगी।
अभी फिर से आ गई हूँ किचन में और ये बन रहा है चीले का बैटर। तो इस आटा है, आटे में थोड़े से मैंने चीनी डाली है और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, सौंफ डाली है। आपके पास इलायची हो तो इलायची पाउडर भी डाल दीजिए और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। तो बस ये ऐसे बनाने होते हैं, जैसे नॉर्मल चीले बनते हैं तो उसी टाइप से बनते हैं। तो फैला के एक तरह से मैंने पका दिया। अब देखती हूँ पलट पाती हूँ कि नहीं पलट पाती हूँ। तो ये देखिए पलट गया आज, नहीं तो हमेशा क्या होता है ना, ये चिपक जाते हैं तवे से। तो आज अच्छे से बन गए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं छत में आ रही हूँ रोज़ वीडियो का एंड करने के लिए। तो मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि नीचे ना टीवी लगा रहता है, फिर वो आवाज़ सारी मिक्स हो जाती है, तो इस वजह से। तो बस आज मैंने थोड़ा सा ही जो भी काम किया मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट भी करिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।